प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे। तंदुरुस्त रहने के लिए आपको चलना पड़ेगा कविताज किचन में। कविताज किचन में आज मैं बना रही हूँ केक, और केक किस में बनाऊँगी मैं, ये मैं आपको दिखाऊँगी आसानी से घर में किस तरीके से आप पैन केक या कप केक कुछ भी बोलो किस तरीके से बनाओगे वो मैं आपको दिखाऊंगी आसान तरीके से केक बनाना। जिसके लिए ले लिया है मैंने थोड़ा सा दही, दही को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे, और उसके लिए ले लिया है मैंने चीनी। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से रखिए, आपको जैसा भी मीठा लेना हो। उसके लिए ले लिया है मैंने थोड़ा सा रिफाइंड तेल, और ये डाल दिया है मैंने रिफाइंड तेल। अब हम इसको बारीक करके मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए दही चीनी और तेल को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, और थोड़ा सा हम बर्तन में ही छोड़ेंगे। और अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा सूजी, ये ले लिया है मैंने सूजी, और ये डाल दी है मैंने थोड़ा सा सूजी, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे मैदा। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने किचन में मैदे का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार बताया था कि थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, पूरा मैदा नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा दूध, तरीके से डाल दिया है मैंने दूध। और अब इसको हम मिक्सी में उसी तरीके से पीस लेंगे। इस तरीके से मैंने पूरे बैटर को तैयार कर लिया है, पीस लिया है। इसको डाल देंगे एक भगोने में, इस तरीके से डाल दिया है मैंने भगोने में। अब इसको हम कम से कम 15 या 20 मिनट ढककर यूं ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी सूजी प्रॉपर तरीके से फूल जाए। देखिए केक बनाने के लिए ले लिया है मैंने इडली का बर्तन, और इडली के बर्तन में अब डाल देंगे हम नीचे से थोड़ा सा नमक। इस तरीके से नमक को डाल लेंगे, ये डाल लिया है मैंने नमक। और इसको चढ़ा लेते हैं हल्की आंच में गैस पर, और तब बैटर बनाना करते हैं हम स्टार्ट। ये डाल दिया है मैंने नमक, इसको चढ़ा दूंगी हल्की आंच में गैस पर। देखिए अब देखते हैं कि हमारा बैटर तैयार हुआ या नहीं। देखिए इस तरीके से हमारी सूजी और मैदा का बैटर तैयार हो चुका है। सूजी हमारी फूल चुकी है, और इतना ही पतला इसे रखना है। अब इसमें क्या डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें डालना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसमें मिला देंगे हम बेकिंग पाउडर, एक स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और एक स्पून बेकिंग सोडा। ये डाल दिया मैंने बेकिंग पाउडर, और सोडे को भी हम इस बैटर में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। ये डाल लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा टूटी फूटी, ये देखिए टूटी फूटी डाल दिया मैंने थोड़ा, और थोड़ा सा डाल देंगे हम रेड कलर की टूटी फूटी, और इसे भी इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए मिला लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि अलग अलग कलर का केक बनाकर आपको दिखाऊंगी, जैसे कि वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और बटर स्कॉच फ्लेवर, हर कलर के फ्लेवर मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आपने सब कुछ ऐसा ही करना है, फ्लेवर आपकी मर्जी आप कौन सा डालें, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा फ्लेवर डालती हूँ। ये डाल दिया है मैंने येलो कलर, और
फेंट लिया। फेंटने के बाद ये इस कलर का हो चुका है और इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। थोड़ा सा टेस्ट के लिए वनीला एसेंस डालेंगे हम, और अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए वनीला एसेंस डालना। ये देखिए, अगर घर पर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम तैयार कर देंगे बैटर। मेरा बैटर हो चुका है तैयार। इस तरीके से मैंने इडली का बर्तन ले लिया है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि हमारा केक चिपके ना, निकलते वक्त आसानी से निकल जाए। इस तरीके से हम ऑयल को लगा लेंगे। अब इसमें डालेंगे अपना बनाया हुआ बैटर। ज़्यादा भर कर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फूल कर ऊपर आएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है, आधा आधा सा डालना है। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा डेकोरेट के लिए टूटी फूटी। थोड़ी ग्रीन कलर की, थोड़ी येलो कलर की, अगर आपके पास घर में है तो डालें, वरना ऐसे भी बन जाता है। इस तरीके से डाल दिया है मैंने, और इसको रख देंगे अब बर्तन के ऊपर। इस तरीके से मैंने नमक को गर्म करने के लिए रख लिया था, अब इसके ऊपर रख देंगे ये हमारा डाला हुआ बैटर। इस तरीके से रख लिया है हमने। अब इसी तरीके से हर कलर के बैटर के वो तैयार करते हैं, और इसमें लगाकर और पकाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार का केक हमारा तैयार होकर निकलता है। इस तरीके से मेरे ये केक बनकर हो चुके हैं तैयार। ये देखिए, इस तरीके से सुंदर सुंदर केक बनकर हो चुके हैं तैयार। ये देखिए, दो कलर के केक बच्चों की डिमांड पे बनाया था मैंने, और ये बन चुके हैं केक। और आप चाहो तो इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया है स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से आप, ये देखिए बनकर हो चुका है मेरा भी तैयार। इस तरीके से आप आसानी से घर में केक, पैन केक वगैरह बना सकते हैं। और ये मैंने बना लिया है, और बच्चों को खिलाती हूँ और पूछती हूँ कि कैसा हो रहा है केक। देखिए, इस तरीके से केक बनाया मैंने इडली के बर्तन में, और उसके बाद मेरा बैटर बच चुका था, उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा फूड कलर, पिंक कलर का ये डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल देंगे वनीला एसेंस। ये डाल लिया है मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस, और इस सब को मिला लेंगे इस तरीके से। अब मैं बताऊंगी कि आपको अब इस बैटर का क्या करना है, क्योंकि मेरा बैटर बच चुका था और मैंने पहली वाली विधि से आपको कप केक बनाना सिखाया। और अब ये मैं बताऊंगी कि इसको आप किस तरीके से बनाएंगे। पहले मैं सब चीज़ मिक्स कर लेती हूँ। ये कर लिया है मैंने ढंग से मिक्स। ये देखिए, ये इस कलर का हो चुका है बैटर मेरा। ये देखिए, अब इसको डाल देंगे हम एक बर्तन में। ये बर्तन लिया है मैंने, इसमें लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, और इस बैटर को डाल देंगे हम इस बर्तन में इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से मैंने बर्तन में बैटर डाल दिया और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। हमेशा मैं कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, कभी बिगड़ जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया करूँ अपने केक के साथ। और इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया। देखते हैं पकने के बाद कैसा लगता है। और इसे डाल देते हैं अब माइक्रोवेव में। इसको बनाएंगे हम माइक्रोवेव में, गैस में नहीं।
इस तरीके से डाल देते हैं और माइक्रोवेव कर देते हैं ऑन, और 10 मिनट में हमारा ये केक पककर तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का केक बना हुआ है। चलो देखते हैं कि हमारा केक बनकर तैयार हुआ या नहीं। इस तरीके से निकालेंगे केक और चेक करते हैं पका या नहीं। बिल्कुल पक चुका है, ये देखिए बन चुका है हमारा केक। और इसे निकाल देंगे हम एक प्लेट में, थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं। इस तरीके से बचे हुए बैटर से बना लिया है मैंने केक, और देखिए मेरा बैटर बर्बाद भी नहीं हुआ और केक भी बन चुका है। और बच्चों को खिलाएंगे अब केक। और इस तरीके से हमने केक बनाया, और मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।